Everyone, let's take some more examples for the PDA. Let's say the languages A power n and B power 2n, where n is greater than or equal to 1. इस केस में ऐसा है कि जो ए की संख्या है उसकी दुगनी संख्या बी की है, लेकिन पहले ए आएंगे एंड देन बी आएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल मान लें कि एन की वैल्यू लेट से 2 है। सो ये डबल ए और 4b ऐसा सिस्टम होगा, और मान लेते हैं कि हम इनपुट टेप में हैं तो वी हैव एप्सिलॉन। इसके लिए पीडीए डिजाइन करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जब इनपुट टेप में मुझे सिंगल ए दिखाई दे तो इस सिंगल ए के कोरिस्पॉन्डिंग मैं 2a स्टैक में पुश कर दूं। फिर जब मुझे दूसरा ए दिखे तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग में मैं 2a को स्टैक में पुश कर दूं। फिर जब मुझे पहला बी मिले और स्टैक के टॉप पे ए हो तो पॉप कर दीजिए, दूसरा बी मिले स्टैक के टॉप पे ए हो तो पॉप कर दीजिए, तीसरा बी मिले और स्टैक के टॉप पे ए है तो उसको भी पॉप कर दीजिए, चौथा बी मिले स्टैक के टॉप पे ए है इसको पॉप कर दीजिए। इसके बाद अगर एप्सिलॉन आता है इनपुट और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो मुझे दिखता है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि जो ए की काउंटिंग है वो बी की काउंटिंग से मैच कर गई है, बी बी की काउंटिंग ए की काउंटिंग की डबल है। तो दिस वे वी कैन डिजाइन द पीडीए। सो टेकिंग दिस ए डबल ए एंड 4b फॉलोड बाई दी एप्सिलॉन, दिस इज इन द इनपुट टेप। लेट्स डिजाइन दी पीडीए। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद द Q0 स्टेट। आई ऑब्जर्व 1a एंड स्टैक टॉप इज जेड नॉट, और मैं 2a पुश करूंगा एक ए के कोरिस्पॉन्डिंग स्टैक पे। सो जेड नॉट मेरे स्टैक के टॉप पे था, एक ए आया इनपुट में, मैंने 2a को पुश कर दिया। जब नेक्स्ट ए आएगा इनपुट टेप से तो मुझे स्टैक के टॉप पे ए दिखेगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग भी मैं 2a को पुश कर दूंगा। राइटिंग ट्रिपल ए मीन्स 2a को मैं पुश कर रहा हूँ और ये करंट टॉप है स्टैक का। इसके बाद जब मुझे बीज मिलेंगे तो मैं स्टेट को चेंज करता हूँ। तो जब मुझे पहला बी मिला, अभी मेरा 4a पुश हो चुका है, पहला बी मुझे मिला है और स्टैक के टॉप पे ए है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा और Q1 स्टेट में रहूंगा। फिर मुझे और बी मिलेंगे, 4 बीज है टोटल, पहले बी के कोरस्पॉन्डिंग हम Q1 स्टेट में मूव कर गए पॉप करके स्टैक के। इसके बाद दूसरा बी जब मिलेगा तो स्टैक के टॉप पे ए मिलेगा और मैं स्टेट Q1 में ही रहूंगा लेकिन इसको पॉप कर देते हैं सिंपल। तो फिर तीसरा बी मिलेगा तो यही एक्टिविटी करेंगे, चौथा बी मिलेगा तो भी यही एक्टिविटी करेंगे, तो आप Q1 स्टेट में ही रहेंगे। जैसे इनपुट टेप में एप्सिलॉन आएगा, मैंने आपने 4 बीज को देख लिया है, अब एप्सिलॉन मुझे दिखा इनपुट टेप से और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है तो इसको जेड नॉट ही रहने दीजिए और आप फाइनल स्टेट QF में मूव कर जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द पीडीए, वी कैन डिजाइन द पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज। तो ये ट्रांजिशन फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं इसके। आई एम एट द Q0 स्टेट, आई गेट ए एंड द स्टैक टॉप सिंबल इज जेड नॉट। सो दिस गोज टू Q0 स्टेट और ए सिंबल को हम स्टैक पे पुश कर लेते हैं। इसके बाद Q0 स्टेट है, इसमें ए मिला, स्टैक के टॉप पे भी ए था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम Q0 स्टेट में रहेंगे और ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर लेंगे। जब मैं Q0 स्टेट में हूँ मुझे बी मिला और स्टैक के टॉप पे ए है तो आई विल मूव टू द Q1 स्टेट और पॉप करेंगे स्टैक को। Q1 स्टेट में, इन द Q1 स्टेट अगर मुझे फिर से बी मिलता है इनपुट में और स्टैक के टॉप पे अगर ए है तो मैं Q1 स्टेट में रहूंगा और स्टैक को पॉप कर दूंगा। जब Q1 स्टेट में मुझे एप्सिलॉन इनपुट मिलेगा और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट होगा सो आई विल मूव टू द फाइनल स्टेट QF एंड आई विल नॉट मेक एनी चेंज टू द टॉप ऑफ द स्टैक। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन द पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।